स्टूडेंट, चलिए आज हम देखते हैं अप स्थानिक जड़ों में रूपांतरण। तो यहाँ पर जो रूपांतरण की प्रक्रिया होती है, इससे पहले तक हम लोगों ने मूसला जड़ों में रूपांतरण देखा था। तो उसमें भोजन के कारण से, श्वसन के कारण से और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण से जो जड़ों में वो अपने आकार को परिवर्तन करते हैं, ये हमने देख लिया था। आज हम जो जड़ का दूसरा प्रकार है वह है अपस्थानिक जड़। तो उसमें किन किन कारणों से रूपांतरण होता है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि उनमें जो आधार जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो जब भोजन संग्रहण करते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो भोजन संग्रहण करते हैं। तो अपने आकार में वो कैसे कैसे चेंजेस करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो भी अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो जब क्या करते हैं, भोजन को संग्रहित करते हैं। ये जड़ें अधिकांशतः जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वह एकबीजपत्री में ही पाया जाता है। तो इनमें जो जड़ें होती हैं वह एक रेशे के समान होती हैं और गहराई तक नहीं होते हैं। तो ये जड़ें क्या करते हैं, भोजन संग्रहण करने के कारण क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं और फूल कर एक गुच्छे के समान दिखाई देते हैं। क्या हो जाते हैं, वो गुच्छे के समान दिखाई देते हैं। तो इसका एग्जांपल है डहेलिया। डहेलिया फूल होता है जो बहुत बड़े बड़े खिलते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो गुच्छे के समान दिखाई देते हैं, है ना। यदि हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो इस प्रकार से दिखाई देती है। उसमें बहुत सारे गुच्छे होते हैं जो इस तरीके से क्या होते हैं, अपने आकार में जड़े हैं जो अपने आकार में परिवर्तन करने के कारण से, भोजन संग्रहण करने के कारण से वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं और इस प्रकार से वो ग्रंथि के समान या गुच्छे में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो आधार प्रदान करने के कारण से, दूसरा कारण है आधार प्रदान करने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से वृक्ष हैं या पौधे हैं जो अपने आप को आधार प्रदान करने के लिए अपनी जड़ों में परिवर्तन कर लेते हैं। तो इसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं, इसमें सबसे पहला देख लेंगे स्तंभ जड़े। स्तंभ जड़े, स्तंभ जड़ का मतलब है कि ऐसी जड़े जो जमीन के ऊपर आकर खंभों के समान अपना आकार को बना लेते हैं। और स्तंभ के समान या खंभों के समान जब वो अपने आकार को बना लेते हैं और फिर वो वापस जाकर उसी पेड़ के शाखाओं से चिपक जाते हैं, तो इस तरीके से वो उस पे वृक्ष या पेड़ को क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बरगद। बरगद आप सभी ने बरगद अच्छी तरीके से देखा होगा। उसमें जो लंबी लंबी जड़ें निकलती हैं, है ना, तो उनकी शाखाओं से क्या होती हैं, जड़ें जाकर क्या हो जाती हैं, ऊपर चिपक जाती हैं। और इस तरीके से उनमें क्या होता है, लंबे लंबे जड़ नीचे की ओर आए रहते हैं फिर ऊपर जाते हैं। तो इस तरीके से जो बरगद का वृक्ष जो विशाल होता है उसको उनकी जो जड़ें होती हैं वो आधार प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होता है उसको स्तंभ जड़े कहा जाता है। फिर दूसरा है अस्तंभ जड़े। ये जड़े हैं जो कि अस्तंभ होते हैं, मतलब वो स्तंभ के समान नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल में आप गन्ना और मक्का, ये क्या होती हैं, एकबीजपत्री होती हैं। और एकबीजपत्री होने के कारण से इनके जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, तने कमज़ोर होते हैं। और तने इनके कमज़ोर होते हैं इसीलिए जो इनकी पर्व संधियां होती हैं, जैसे कि अगर डायग्राम में देखते हैं ये क्या है, गन्ना है, और उनके गन्नों के बीच बीच में क्या होता है, जॉइंट रहता है जिसको पर्व संधि कहा जाता है। इन्हीं तनों के जो पर्व संधि होती है उसी से क्या निकले होते हैं,
लंबी लंबी जड़ें निकली होती हैं इस तरीके से, है ना। गन्नों में आपने देखा होगा इसी तरीके से क्या निकला रहता है, उसमें जड़ें निकली होती हैं। तो ये जड़ें कहाँ से निकलती हैं, तनों से, है ना, जो क्या करते हैं इनको सहारा देते हैं, आधार प्रदान करते हैं, उनको मजबूती बनाए रखते हैं। तो तने कमज़ोर होते हैं जिसके कारण क्या होता है, पर्व संधियों से जड़ें निकलती हैं और वो क्या करती हैं, गन्ने और मक्का को आधार प्रदान करते हैं। अगला हम देख लेते हैं चिपकने वाले जड़े। चिपकने वाली जड़ें, तो ये चिपकने वाली जड़ें क्या करती हैं, जैसे कि कुछ पौधे की जड़ें चिपकने वाली होती हैं, है ना, जो किसी भी पौधों से चिपक जाते हैं, किसी भी सतह से चिपक जाते हैं, तो ये पौधे क्या करते हैं, दूसरों पौधों पर उग जाते हैं। ये पौधे क्या करते हैं, दूसरे पौधों पर उगते हैं। जैसे कि एग्जांपल आर्किड, आर्किड आर्किड क्या करता है, दूसरे पौधों पर चिपक जाते हैं, है ना, उनकी जो जड़ें होती हैं वो चिपक जाती हैं और दूसरों पौधों पर ये उग जाते हैं, मतलब ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, आधार प्रदान कराते हैं। जैसे कि ये किसी पौधे का क्या है, तना है, तो इसमें क्या होता है कि जो आर्किड रहती हैं उसके जड़ें चिपक जाती हैं इस तरीके से, और फिर वो अपना जीवन यापन इसी आधार से फिर वो व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार से ये है अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण। अब हम देखेंगे कि तने क्या हैं और तनों में किस प्रकार से रूपांतरण होता है। यहाँ तक जड़ था, यहाँ तक हमने जड़ क्या है, जड़ के लक्षण और जड़ों में रूपांतरण देख लिया है। अधिकांशतः जड़ों में रूपांतरण या जड़ों के लक्षण पेपर में पूछे ही जाते हैं। आगे देखते हैं तना, जिसको स्टेम कहा जाता है। पौधे दो भागों से मिलकर बने होते हैं, एक होता है प्ररोह तंत्र, जमीन के ऊपर वाला भाग, और दूसरा होता है जड़ तंत्र, जो कि जमीन के निचला भाग होता है, जमीन के अंदर पाया जाता है। तो तना जो है वह प्ररोह तंत्र का ही भाग होता है, है ना। इससे पहले जब हमने बताया था कि प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र, तो जड़ तंत्र के अंतर्गत जड़ों को देख लिए, अब हम लोग प्ररोह तंत्र के अंतर्गत जो तना है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तने का विकास कहाँ से होता है, तने का विकास होता है प्रांकुर से। जड़ का विकास हुआ था मूलांकुर से, तने का विकास होता है प्रांकुर से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पौधों का वह भाग जो प्रांकुर में प्रांकुर से विकसित होता है, पौधों का वह भाग जो प्रांकुर से विकसित होता है और जो तने होती हैं वो प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं, और गुरुत्वाकर्षण की ओर ये क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, और प्रकाश की ओर ये धनात्मक होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यह प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की ओर अपना वृद्धि करते हैं। तो जो वो जो वृद्धि होती है वो तने ही हैं जो आगे बढ़ते हैं, जड़ है जो नीचे की ओर बढ़ता है, तने ऊपर की ओर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तनों में ही क्या होता है, जिस पर फूल पत्ती फल
लगे होते हैं। तो ये है तने की संरचना। पौधे का वह भाग जो प्रांकुर से विकसित होता है, यह क्या करते हैं, प्रकाश की ओर गति करते हैं, जिस पर फूल पत्ती और फल लगे होते हैं। जड़ में फूल पत्ती फल नहीं पाए जाते हैं और ना ही वो प्रकाश की ओर गति करते हैं। तो यदि जैसे कि जड़ और तना में अंतर आता है तो आप इसी प्रकार से दोनों में अंतर लिख सकते हैं। उसके बाद जो तने होते हैं, तो कुछ पौधों में तने क्या करते हैं, संघनित हो जाते हैं, मतलब एक जगह वो क्या होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, और संघनित होकर क्या करते हैं, वो कलिका का निर्माण करते हैं, है ना। संघनित होकर वो क्या करने लगते हैं, कलिका का निर्माण करने लगते हैं। जैसे कि तने जो हैं वो धीरे धीरे आपस में वहीं वहीं पर क्या होने लगते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, और इस तरीके से वो बढ़कर एक कली के रूप में वृद्धि कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तने जो हैं वो संघनित होकर किसका निर्माण करते हैं, कलिका का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है बंद गोभी, है ना। बंद गोभी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी बोलते हैं, लेकिन वो पत्ता नहीं होता है, वो क्या होता है, तनों का संघनित रूप होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्लियर है कि तने संघनित होकर कलिका का निर्माण करती हैं, इसका एग्जाम्पल है बंद गोभी। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं तनों के लक्षण, तने के लक्षण क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। यदि आपने जड़ का लक्षण पढ़ लिया है तो आप आसानी से तनों का लक्षण भी बना सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला लक्षण लिख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, भूमि के विपरीत। पहला लक्षण हो जाएगा कि ये भूमि के विपरीत या जड़ के विपरीत गति करते हैं, भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करते हैं। और लिख सकते हैं आप कि तने जड़ के अपोजिट या विपरीत दिशा में बढ़ते हैं, जड़ नीचे की ओर बढ़ता है तो तने ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अगला लक्षण, जिस प्रकार से जड़ में पर्व व पर्व संधियां या किसी प्रकार का जॉइंट नहीं पाया जाता, लेकिन तनों में पर्व और पर्व संधियां उपस्थित होती हैं, जैसे कि गन्ना मक्का, इसमें क्या होता है, पर्व और पर्व संधियां होती हैं। गन्ना मक्का के अलावा तनों में हमेशा आप देखते हैं उसमें जॉइंट पाया ही जाता है, क्योंकि तनों से कई शाखाएं निकली होती हैं तो वहां पर जॉइंट देखने को मिलता है। उसके पश्चात तनों में जो पर्व संधियां होती हैं, इनकी पर्व संधियों में जहां पर तनों का जॉइंट होता है, पर्व संधियों से ही क्या क्या निकली होती हैं, पत्ती निकलती हैं और कलिका निकलती है, फूल भी खिलते हैं जिसमें। तो इस तरीके से तनों के पर्व संधि से ही पत्ती और क्या निकलती हैं, कलिका निकलती हैं। अगला लक्षण, तनों पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। आपने देखा होगा तनों को, यदि आप अच्छे से अगर देखेंगे, अभी आप एक तना लाकर देख सकते हैं कि उसका जो ऊपरी सतह है वहाँ पर बारीक क्या पाए जा रहे हैं, रोम दिखाई देते हैं। यही चीज़ जड़ों में अब्सेंट होता है। तो तनों में बहुकोशिकीय क्या पाए जाते हैं, पतले पतले रोम पाए जाते हैं, वो एकदम चिकने नहीं होते हैं, उनमें रोम उपस्थित होता है। अगला लक्षण कि तनों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जड़ों में क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, तनों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए तने जो हैं वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, भोजन बनाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। अब इनमें क्लोरोफिल उपस्थित है इसलिए जो तने का कलर है वो कैसा दिखाई देता है, हरे कलर का, लेकिन जड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता चूँकि वो जमीन के नीचे होता है, इसलिए उनका रंग था मटमैला। लेकिन तने हरे रंग के होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं पौधों की, फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से ये है तने का लक्षण। आगे देखते हैं हम तनों के प्रकार। तनों के
प्रकार, जिस प्रकार जड़ दो प्रकार के थे, मूसला जड़ और अपिस्थानिक जड़, उसी प्रकार से तने जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तने कितने प्रकार की होती हैं? तने तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला प्रकार है वायवी तने, ऐसे तने जो वायु में उपस्थित होते हैं, मतलब जमीन के ऊपर। दूसरा है अर्धवायवीय तने, अर्धवायवीय तने ऐसे तने जो आधे जमीन के नीचे और आधे जमीन के ऊपर दिखाई देते हैं, ऐसे तने को अर्धवायवीय तना कहा जाता है। उसके बाद है भूमिगत तना, भूमिगत तने। कुछ तने जो है वो क्या करते हैं, जड़ों के समान भूमि के नीचे पाए जाते हैं और वो भूमि के निचली सतह पर होते हैं। तो इस प्रकार से तने तीन प्रकार की होती हैं, वायवी तने, अर्धवायवी तने और भूमिगत तने। तो क्लियर है ये, वायवी तने भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, अर्धवायवी तने क्या होते हैं, आधे भूमि में और आधे भूमि के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा दूबी, दूबी को हम देखते हैं उसकी आधे जो तने होते हैं वो जमीन के नीचे होती हैं, आधा ऊपर होता है, तो वो अर्धवायवी तने के अंतर्गत आता है। उसके पास जो भूमिगत तने हैं, जैसे कि आप इसको आगे पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले यहीं पर देखते हैं कि भूमिगत तना किस प्रकार का होता है। तो ये उसके प्रकार हैं, अब इन्हीं प्रकारों से हम उसके रूपांतरण को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर पहले लिख लेते हैं तनों के प्रकार को। यहाँ पर जो वायवी तने होते हैं वो क्या होते हैं, भूमि के ऊपर पाए जाते हैं। तो भूमि के ऊपर पाए जाने वाले तनों में जितने भी शाख हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, झाड़ी वाले पौधे और वृक्ष, ये तीनों आ जाते हैं किसमें, वायवी तने के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर इनका नाम लिख सकते हैं, वृक्ष में आप आम, नींबू, नीम जो भी है लिखना चाहते हैं, झाड़ी, गुलाब वगैरह, साग में आप छोटे छोटे पौधों का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अर्धवायवी तनों में क्या होता है कि कुछ भाग भूमि के नीचे व कुछ भाग भूमि के ऊपर होता है, मतलब ये आधे आधे बटे होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं दूबी और पुदीना, है ना, जो पुदीन हरा का जो पत्ता आता है, वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो भी अर्धवायवी तने के ही अंतर्गत आते हैं। उसके बाद भूमिगत तना में क्या होता है कि ये पूरी तरीका से भूमि के नीचे होते हैं, भूमि के नीचे उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल अदरक, अदरक हम क्या सोचते हैं कि ये क्या होगा, कंद होगा, लेकिन नहीं, अदरक क्या है, भूमिगत। आलू, आलू भी क्या है, भूमिगत तना ही है। और इसके अलावा हल्दी, ये सब क्या है, भूमिगत तने होते हैं, है ना। इसके अलावा भी जो प्याज वगैरह हैं वो भी तने ही होते हैं। तो अधिकांशतः पेपर में ये सब चीज़ों को पूछा जा सकता है कि अदरक, आलू, हल्दी क्या है, एक भूमिगत तना है, ये कंद नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं तनों में रूपांतरण, देखते हैं तनों में रूपांतरण। जिस प्रकार से जड़ों में जो रूपांतरण है वो उसके कुछ स्पेशल कार्य करने के कारण से उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो उस कारण से उसके आकार में जो चेंजेस आता है उसको रूपांतरण कहा जाता है। सेम इसी प्रकार से तनों में भी क्या होता है कि वो कुछ विशिष्ट कार्य करने के कारण से अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसे तनों का रूपांतरण कहा जाता है। इसमें भी कई कारण होते हैं तनों के रूपांतरण के, तो तने के हम प्रकार के हिसाब से उनका रूपांतरण देखेंगे। तो सबसे पहले हम तनों का प्रकार लेंगे भूमिगत तना। सबसे पहले हम किसको लेंगे, भूमिगत तना। तो भूमिगत तना में किस प्रकार से रूपांतरण की क्रिया होती है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो भूमिगत तने होते हैं, यहाँ पर जो भूमिगत तने होते हैं उसमें ये भूमि के नीचे पाए जाते हैं और ये जो तने होती हैं उनमें पर्व और पर्व संधियाँ प्रेजेंट होती हैं। भूमिगत तनों में क्या होता है, पर्व व पर्व संधियाँ उपस्थित होती हैं।
इनमें जो इनकी पर्व संध्याएं होती हैं उनमें एक शल्क पत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्व संधियों में शल्क पत्र पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा अदरक को, अदरक को आप देखते हैं कि उसके ऊपर से क्या निकलता है, एक शल्क के समान निकलते हैं जिसको हम छिलका कहते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर पर्व संधियों में शल्क पत्र पाए जाते हैं और उनमें अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं, है ना। उनमें रेशे के समान क्या पाई जाती हैं, जड़ें पाई जाती हैं। तो भूमिगत तना में चार प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। कितने प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है? चार प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है, जिसमें पहला प्रकार है प्रकंद। प्रकंद भूमिगत तना का पहला रूपांतरण है। ऐसे तने जो प्रकंद के रूप में हो जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है प्रकंद का अदरक और हल्दी। तो अदरक और हल्दी क्या है? एक भूमिगत तना है और किस प्रकार का है वो? प्रकंद कहा जाता है इनको। तो ये किस प्रकार से प्रकंद कहलाते हैं, इसका लिख लेते हैं हम। ये भूमि के क्षैतिज धरातल में बढ़ते हैं। क्या होते हैं ये? जैसे कि अदरक जो रहते हैं वो किस तरीके से बढ़ते हैं, तो इस रूट में वो बढ़ते हैं, मतलब भूमि के क्षैतिज में वो बढ़ते हैं। तो ये भूमि के क्षैतिज धरातल में बढ़ते हैं। और क्यों ये प्रकंद बन जाते हैं? तो भोजन संग्रहण के कारण, भोजन संग्रहण के कारण क्या हो जाते हैं, ये फूल जाते हैं, जिसको हम प्रकंद कहते हैं। लेकिन ये है क्या चीज़? तना ही होता है। तो इसका अगर हम डायग्राम देखते हैं प्रकंद का, और इस तरीके से उनमें क्या पाई जाती हैं? पर्व संध्याएं होती हैं। ये तो ये किसका डायग्राम है? ये प्रकंद है ना। अदरक का क्या है? ये डायग्राम है। तो इसमें सारे लक्षण सुस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि इनमें पर्व संध्या और पर्व पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, शल्क से ढके हुए होते हैं। और इनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कलिकाएं भी पाई जाती हैं। इस तरीके से कलिकाएं होती हैं और यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अदरक हल्दी भी इसी तरीके से जमीन में क्षैतिज की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा हम रूपांतरण देखते हैं भूमिगत तने के अंतर्गत, दूसरा है शल्क कंद, दूसरा है शल्क कंद। तो ऐसे तने जो शल्कों से ढके हुए होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है किसमें शल्क पाया जाता है, प्याज में और लहसुन। ये दोनों क्या है? शल्क कंद होते हैं। प्याज और लहसुन में शल्क पाए जाते हैं, वो क्या है, पूरे और बीच में क्या होता है उनका, मजबूत डंडे के समान ये तने ही हैं जो क्या हो जाते हैं, शल्क के समान फूलकर आकार में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तो ये क्या है, तना ही है और नीचे ये क्या होता है, उसका जड़ होता है। प्याज लहसुन भी इसी तरीके से होता है, लेकिन जो लहसुन होते हैं वो कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड होते हैं, कंद में डिवाइड होते हैं। इसमें क्या होता है कि शल्क कंद में, शल्क कंद में शल्क पत्र, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है,
सल्क पत्र है। आपने प्याज को देखा होगा, वो कई लेयर से मिलकर बने होते हैं, जिसको सल्क पत्र कहा जाता है। एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढके होते हैं। ठीक है, तो ये है सल्क कंद, जिसका उदाहरण है प्याज। प्रकंद का उदाहरण है अदरक, हल्दी। उसी प्रकार सल्क कंद का उदाहरण होता है प्याज, लहसुन। अगला हम देख लेते हैं, तीसरा है स्तंभ कंद। तो ऐसे कौन से कंद हैं जो जमीन के ऊर्ध्वाधर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, स्तंभ के समान। तो इसका एग्जाम्पल है आलू। आलू क्या है, एक स्तंभ कंद होता है। आलू में छोटे छोटे क्या होते हैं, इस तरीके से कलिकाएं निकली होती हैं जो उनके जनन में मदद करते हैं, तो इसी को कहा जाता है बड। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, कि इसमें स्तंभ तनों की कलिका, ये जो आपको कलिका दिखाई दे रही है बर्ड, वो क्या करते हैं, भूमि के अंदर विकसित होकर भोज्य पदार्थ को एकत्रित कर क्या बना लेते हैं, स्तंभ कंद बना लेते हैं। इस कारण से ये फूले हुए दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल है आलू। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल ही इसका याद रखना है, स्तंभ कंद के अंतर्गत आलू को रखा गया है। उसके बाद लास्ट है घन कंद। लास्ट है भूमिगत तनों के रूपांतरण में घन कंद। तो ऐसे तने जो रूपांतरित होकर घन के समान दिखाई देते हैं, इसका एग्जाम्पल है, घन कंद का एग्जाम्पल है जिमीकंद। जिमीकंद आपने देखा होगा, वो बड़े बड़े गोले होते हैं, घन के समान दिखाई देते हैं। और अरबी, अरबी को सामान्य भाषा में हम कुचाई के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों क्या है, घन कंद के उदाहरण है। जिमीकंद और अरबी, ये दोनों क्या है, एक तना ही है। तो ये किस तरीके से दिखाई देते हैं, यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और नीचे की ओर क्या निकली होती हैं, इनमें जड़ें निकली होती हैं, अपस्थानिक जड़ें, और इनमें छोटे छोटे क्या निकली होती हैं, कलिकाएं निकली होती हैं जो इनके जनन में भाग लेते हैं, या इन्हीं कलिकाओं को यदि फिर से भूमि में उगा देने पर फिर से नए घनकंद का निर्माण हो जाता है। यहाँ से उसकी तनों का और भाग बाहर भूमि के ऊपर निकला होता है, और नीचे की जो तने होती हैं वो भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के कारण से फूलकर घन के समान दिखाई देते हैं। तो घन कंद के अंतर्गत जिमीकंद को रखा गया है। इसे संघनित प्रकंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, संघनित प्रकंद भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये है तनों का रूपांतरण। तो हमने अभी तनों के रूपांतरण में पहला पढ़ा है भूमिगत तना के अंतर्गत चार रूपांतरण, प्रकंद, दूसरा है सल्क कंद, तीसरा स्तंभ कंद, और चौथा लास्ट है घन कंद। अब अगले वीडियो में हम अर्धवायवी तने के बारे में देखेंगे।